साल 2020 और साल 2021 ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए बढ़ने का, ग्रोथ करने का इतना बड़ा मतलब समझिए कि माध्यम बन चुका था ये साल, कि इस दो सालों में हर एक प्लेटफॉर्म ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि वो सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बेस बना ले, करोड़ों की कमाई कर ले। और इंडिया में जो डिजिटल मार्केट उभर रहा है, जो तेजी के साथ उभर रहा है, उसमें अपनी अपनी पकड़ मजबूत कर ले। क्योंकि कोरोना के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम आई, सिनेमाघर बंद थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो एक ही ऑप्शन ले देकर था एंटरटेनमेंट के लिए बॉलीवुड की फिल्मों को देखने का, और वो था ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ने अपने यूजर बेस को बहुत ही ज्यादा 10 गुना 20 गुना बढ़ा लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके यूजर बेस बढ़े थे और उतनी ही तेजी के साथ कम हो गए और उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ। डिज्नी प्लस हॉटस्टार डाउनलोडिंग के मुकाबले में बहुत ही टॉप पोजीशन पर बना हुआ है, वहीं एकता कपूर की अर्ड बालाजी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसी कंपनियां जो हैं, वो अपना मार्केट इंडिया में अभी भी बनाने की जुगत में लगी हुई हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रही। देखिए, सबसे बड़ा घाटा जो हुआ है वो है अर्ड बालाजी एकता कपूर की। यूजर जो है वो इससे दूरी बना रहे हैं, जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन किया था उन्होंने रिन्यू नहीं किया और तो और छोड़कर चले भी जा रहे हैं। भारत में ओटीटी का जो मार्केट है वो 1.5 बिलियन का हो चुका है। 2030 तक ये मार्केट जो है भारत में ओटीटी का वो 13 बिलियन का बन जाएगा। डिज्नी प्लस हॉटस्टार इस साल सबसे अधिक 57 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं। Z5 55 मिलियन सब्सक्राइबर, Amazon Prime 40 मिलियन, सोनी लिव 30 मिलियन, वूट 28 मिलियन, नेटफ्लिक्स 17 मिलियन और सबसे कम अर्ल्ड बालाजी 15 मिलियन। अब इसमें कमाई की बात कर ले तो सबसे ज्यादा जो घाटा है वो एकता कपूर की अर्ल्ड बालाजी को हुआ है। पिछले साल एकता कपूर को अर्ल्ड बालाजी से यानी साल 2020 में 59 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था और कमाई हुई थी 574 करोड़ की। अब इस साल जो 2021 में एकता कपूर को घाटा हुआ है वो तकरीबन है 119 करोड़ का, और जो कमाई हुई है वो है 295। और साल 2022 में अगर ओमिक्रॉन के चलते लॉकडाउन लगता है तो हो सकता है कि साल 2023 की शुरुआत होते होते एकता कपूर बहुत ही ज्यादा करोड़ों के नुकसान में चले जाए। उनके बहुत सारे सीरियल ऑलरेडी बंद हो रहे हैं, मतलब सीरियल की दुनिया से घाटा हो ही रहा है, फिल्में जो बना रही है वहां पर भी घाटा हो रहा है, और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी जो बना बनाया हुआ बेस था जिसे लोग देख रहे थे वहां पर भी घाटा हो रहा है। अब देखिए, एकता कपूर को घाटा होने की बहुत सारी वजह है, बाकी प्लेटफॉर्म्स ग्रो करें लेकिन एकता कपूर जो नीचे ही नीचे चली जा रही है। पहला मामला है सुशांत सिंह राजपूत का, जिसके चलते बॉलीवुड को पूरी तरह से बॉयकॉट किया गया। एकता कपूर का भी नाम भी सुशांत सिंह राजपूत मामले में इस वजह से जुड़ा था कि एकता कपूर ने भी बालाजी से दूरी बनाई थी, सुशांत को दूर किया था, यानी कि जो बाकी प्रोडक्शन हाउस थे जिन्होंने सुशांत को बैन किया था उसमें एकता कपूर का भी नाम सामने आया था। ऊपर से एकता कपूर जिस तरह का कंटेंट परोसती हैं जनता के सामने, वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि इंडिया का अपना अश्लील वेबसाइट है। एकता कपूर ने इंडियन आर्मी को भी लेकर XXX नाम की वेब सीरीज बनाई थी, जिसमें इंडियन आर्मी के जो जवान होते हैं, जब वो बॉर्डर पर जाते हैं तब उनकी पत्नियां उनके पीछे क्या गलत काम करती हैं, इस तरह से गलत चीजों को दिखाकर बहुत ही गलत तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई थी उनकी पत्नियों को। और एकता कपूर को इंडियन आर्मी का योगदान नहीं पता, उनके शौर्य के बारे में नहीं पता, और इस तरह की गलत चीजें थी। हैरानी की बात यह है कि सरकार एकता कपूर जैसे लोगों को पद्मश्री देकर सम्मानित कर। डिज्नी हॉटस्टार के बढ़ने की सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने की वजह यह है, फिल्में यहां पर भी चल रही है। चलिए एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि लोग फिल्मों को किसी न किसी प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर IPL, वर्ल्ड कप और क्रिकेट के जितने भी सीरीज होते हैं उसे दिखाए जाते हैं, लाइव स्ट्रीम किए जाते हैं, तो इसके चलते लोग यहाँ पर सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस बढ़ रहा है, इसकी कमाई हो रही है। अब यही काम Amazon Prime Videos भी कर रहा है। इस साल बहुत सारे क्रिकेट के मैचेस जो है वो Amazon Prime के ऊपर भी आने वाले। ठीक इसी तरह का काम सोनी लिव भी करती है। मतलब ये है कि बाकी लोग तो ग्रो ही कर रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म में, जो अर्ल्ड बालाजी है ये बहुत ही तेजी से नीचे गिरती ही चली जा रही है।